सुझाव लेने की बात कभी की ही नहीं जा रही है, तो पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनना झुंझुना नहीं तो और क्या है, झुंझुना नहीं तो और क्या है। तो पार्टी ने सदस्यों का मनोनयन नहीं किया और मेरे हाथ में अधिकार भी नहीं दिया कि उपेंद्र कुशवाहा से हम बहुत स्नेह करते हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष होते हुए आज भी यही है, जहां हम एक मेंबर भी नहीं बना सकते। तो जिसके ऊपर भरोसा हो उसी को, किसी एक व्यक्ति को ला करके राज्यसभा की सदस्यता दे दे या विधान परिषद की सदस्यता, ढूंढना मेरे हाथ में थमाया गया। पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष मुझको जिस दिन बनाया गया था उस दिन पार्टी के संविधान में पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ था। बाद में संशोधन जरूर हुआ संविधान में और उस संशोधन के हिसाब से उसमें यह बात लिखी गई कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यों का मनोनयन करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत करेंगे पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष को भी और पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्यों को भी। अब पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत करेंगे यह बात तो समझ में आती है, लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्यों के मनोनयन का भी कोई अधिकार पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष को नहीं रहेगा, यह बात पार्टी के संविधान में संशोधन के बाद भी यही स्थिति है। अब पार्लियामेंट्री बोर्ड का हम अध्यक्ष बन गए और उसके बाद हम सदस्य भी मनोनीत नहीं कर सकते हैं, इसका क्या अर्थ है? और ठीक है कि मनोनीत करने का अधिकार हमको नहीं दिया, लेकिन दो साल में आपने स्वयं भी तो हमारे साथ जो पार्लियामेंट्री बोर्ड कमेटी होती उस कमेटी के सदस्यों का मनोनयन नहीं किया, तो पार्टी ने सदस्यों का मनोनयन नहीं किया और मेरे हाथ में अधिकार भी नहीं दिया, सीधे पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष मुझको बना दिया गया। तो यह संवैधानिक स्थिति पार्टी के अनुसार मेरी पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष होते हुए आज भी यही है, जहां हम एक मेंबर भी नहीं बना सकते। यह तो पार्टी के संविधान की बात हुई। अब व्यवहार में देखिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष या बाकी पूरी कमेटी यदि होती तो उसका अधिकार होता है, उसका काम होता है, उसका फंक्शन होता है कि जब भी पार्टी में किसी भी चुनाव के संदर्भ में उम्मीदवारी का चयन करना हो तो पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठकर उस पर विचार करता है। एक तो कमेटी ही नहीं तो पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठकर विचार क्या करे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष होने के कारण कोई सुझाव कभी मुझसे मांगा गया हो तो इसकी भी आवश्यकता नहीं समझी गई। कई चुनाव हुए, विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हुए, एमएलसी के चुनाव हुए, स्थानीय निकाय से जो एमएलसी का चुनाव होना था उसमें उम्मीदवार चयन करने के आज हैं। अति पिछड़ा समाज के लोग, उन पर बहुत भरोसा मुख्यमंत्री जी को नहीं हो तो उस रूप में मुख्यमंत्री जी माननीय मंत्री जो हैं अति पिछड़ा समाज के एमएलए एमपी हैं उनके ऊपर अगर भरोसा नहीं हो तो जिसके ऊपर भरोसा हो उसी को, किसी एक व्यक्ति को ला करके राज्यसभा की सदस्यता दे दे या विधान परिषद की सदस्यता दे दे और पार्टी के मुख्य रोल में उनको रखे, इससे दल को फायदा होगा। हमको दिख रहा था उसी वक्त से कि अति पिछड़ा समाज के लोगों में थोड़ा जो आकर्षण पार्टी के प्रति था वो आकर्षण घट रहा है, तो इस ख्याल से मैंने सुझाव दिया था पार्टी की मजबूती के लिए यह काम करना चाहिए, लेकिन इस तरह के सुझावों पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया और स्थिति आपके सामने है। इतने दिनों में, दो वर्षों में जो लोग भी भेजे गए राज्यसभा में या विधान परिषद में भेजे गए, ठीक भेजे गए, लेकिन उसमें एक भी अति पिछड़ा समाज का कोई व्यक्ति नहीं जा पाया, यह सुझाव मैं बार बार दे रहा था जो नहीं हो पाया। अब इस स्थिति में यह कहना कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनाकर के हमने बहुत इज्जत दे दी, पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष होने से जब हम लोगों के हितों की रक्षा ही नहीं कर सकते हैं, कभी किसी जरूरत पर समय पर जब हमारे सुझाव का कोई मतलब ही नहीं है, सुझाव लेने की बात कभी की ही नहीं जा रही है, तो पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनना झुंझुना नहीं तो और क्या है, झुंझुना नहीं तो और क्या है। और इसके साथ जो दूसरी बात कही जाती है कि एमएलसी बनाया, अब उपेंद्र कुशवाहा
सरकारी नौकरी नहीं कर रहा है, उपेंद्र कुशवाहा राजनीति कर रहा है, और एमएलसी बनना एमएलए बनना किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए सरकारी नौकरी नहीं होती है, या नौकरी नहीं होती है, पॉलिटिक्स होती है, जहां रहकर वह अपने लोगों के हितों की रक्षा कर सके, जहां रहकर पार्टी का जो नीति सिद्धांत है उसको आगे बढ़ा सके, समाज में जो अन्याय पीड़ित लोग हैं उनको न्याय दिला सके। इस काम में मजबूती से कोई व्यक्ति जो भी एमएलसी का पद है या बाकी और जो पद है, वह पद कोई लक्ष्य नहीं होता है, वह साधन है, साध्य नहीं है। उस साधन का इस्तेमाल करके अपने लोगों को या जो जरूरतमंद लोग हैं या जिसके लिए पार्टी राजनीति करती है, वैसे दबे कुचले शोषित पीड़ित लोगों को न्याय दिलाया जा सके, इस काम के लिए कोई भी पद, चाहे एमएलसी का हो, एमपी का हो, एमएलए का हो, तमाम पद जो है एक साधन के रूप में होता है, साध्य नहीं है। तो मुझको यह कहा जा रहा है कि एमएलसी बनने के बाद मेरा कोई अधिकार और कुछ उस रूप में जब